अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में दूध वाला दलिया तैयार करूंगी। तो उसके लिए हम जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ा मग दूध, एक कप दलिया, इलायची के दाने, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 3 बड़े चम्मच चीनी के, 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 चम्मच पानी, थोड़ी सी गिरी और थोड़े से बारीक कट किए हुए बादाम। नॉनस्टिक कढ़ाई ली है यहाँ पे मैंने, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। कुकिंग ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर दलिया ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें दलिया ऐड करने से पहले इलायची के दाने ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेंगे। इलायची हमारी फ्राई हो गई है, अब हम इसके अंदर दलिया ऐड कर देंगे। पहले इसमें से मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की थी, अब मैंने फ्लेम थोड़ी लो कर दी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसके अलावा बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। दलिया को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया अच्छे से, इसमें से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद पानी इसमें ड्राई हो गया है, 4 टेबल स्पून पानी हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। और इसे मिक्स कर लिया मैंने अच्छे से। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी अच्छी तरह पकने के लिए। 5 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया था वो ये देखें, वो ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। और दूध ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगेन इसे मैं कवर करके रख दूंगी पकने के लिए। फ्लेम इसके नीचे मैंने लो ही ऑन की हुई है। 15 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। दूध डालने के बाद देख लें, दूध में दलिया अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। और चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पहले। मैं चीनी इसमें कम ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैंने पहले भी बताया है, आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके अंदर गिरी ऐड कर देंगे और बादाम ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया ये अच्छे से ड्राई फ्रूट्स और शुगर ऐड करने के बाद। अब 2 मिनट के लिए इसे मैं मज़ीद कवर करके रख दूँगी, फिर हमारा दूध वाला दलिया बनके तैयार हो जाएगा। 2 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। ये देखिए हमारा दूध वाला दलिया बनके तैयार है। फ्लेम मैं इसे नीचे बंद कर दूंगी। अब फ्लेम मैंने बंद कर दिया, अब मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है आपकी। दूध वाले दलिए की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।